तो दोस्तों, शिवानी कुमारी आ गई है बिग बॉस से बाहर। जैसा कि मैंने कहा, वहाँ पे गेम माइंड से खेला जा रहा है। तो बेचारी भोली वाली शिवानी को आना तो तय था ना। शिवानी एक सीधी सादी छोटी सी गांव से आई। वहाँ पे लोग धुरंधर महारथी थे। चलो कोई बात नहीं, हमारी बहन शिवानी इतना देर रही, इतने दिन रही, अच्छी बात है। अब बिग बॉस की ट्रॉफी में कुछ नहीं रहा, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ट्रॉफी रणवीर जी के हाथ में ही जाएगी। इसमें कोई मसला नहीं है। मैंने बोला था सब दिमाग से खेल रहे हैं रणवीर जी, तो भाई कहना ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सब ठीक है। मुझे एक बात समझ में नहीं है बिग बॉस की, कि जब शिवानी कुमारी निकाली गई, अंदर वाले वोटों की मदद से निकाला गया, ना कि बाहर वाले से। अगर बाहर, मैं मुझे पूरा विश्वास था कि अगर शिवानी को बाहरी दुनिया से अगर वोट किया जाता तो नहीं हारती, पर कोई ना, बिग बॉस भी सोच समझ के करते हैं कि किसे बाहर निकालना है और किसे अंदर रखना है। आज हम बात कर रहे हैं रणवीर जी के बारे में। इतना माइंडेड आदमी है, सातिर खिलाड़ी इसको कहते हैं। वो इतना दिमाग से खेल रहे हैं कि भाई साहब ट्रॉफी तो मुझे ही लेके जानी है, इसके अलावा किसी को लेके हम जाने नहीं देंगे। भाई ये किस्मत जिसके वो को लेके जाएगा वो तो अलग बात है, लेकिन ये दिमाग से खेल रहे हैं। दिमाग से क्या खेल रहे हैं कि जो अरमान मलिक हैं, और हमेशा हर सीजन उनको दंड के रूप में उसे हर सीजन नॉमिनेट रहने को दिया गया था, वो हर सीजन जो कि नॉमिनेट रहेगा, फिर भी वो अभी तक नॉमिनेट नहीं हुआ है। चलो अच्छी बात है, लेकिन अब जब नॉमिनेट की बारी आई तो रणवीर ने अरमान को सेव कर लिया है। पता है क्यों? नहीं, अरमान को सेव करने का केवल एक ही पर्पस है, भाई सब ट्रॉफी मैं जीतूंगा, रणवीर का कहना है। क्योंकि रणवीर अच्छी तरह से जान रहा है कि अगर मैं अरमान को अभी सेव करता हूँ और बाकियों को बाहर निकाल देता हूँ तो लास्ट में बचेगा अरमान। और अरमान को भाई साहब वो तो जान ही रहा है रणवीर ये नॉमिनेटेड है, लास्ट में इसको नॉमिनेट कर देगा, ये उसका गेम प्लान। वैसे मुझे ये लगा, आप लोग को क्या लगता है? आप लोग एक बार जरूर बताएं कमेंट करके, क्या लग रहा है आप लोग को